हाय फ्रेंड्स, छोटी सी बात खूबसूरत बात। जब इंसान गुनाह करता है ना, तो शैतान जो है ना इंसान का दिमाग जो है बंद कर देता है। गुनाह किसी से भी हो सकता है, अच्छे भले इंसान से, जो कलाम को नहीं जानता वो उसको भी, जो कलाम को जानता है उससे भी गुनाह हो जाता है। गुनाह दाऊद नबी से भी हुआ था कि वो सिपा सलार की औरत को देख के वो खुदा की खुदाई को भूल बैठा था और उसने गुनाह पे गुनाह किया था और उसका दिमाग शैतान ने बंद कर दिया था और उसको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं गुनाह कर रहा हूं। तब खुदा का पाकरू एक काहिन पे जाहिर हुआ और काहिन को कहा कि तू जा दाऊद को जाके कह कि तूने गुनाह किया। और उस काहिन ने कहा कि वो तो बादशाह इसराइल का, वो मुझे मार डालेगा, मैंने उसको ये अल्फाज कहे। तब खुदावंद ने काहिन को एक तमसील समझाई कि इस तमसील से तूने जाके दाऊद से बात करनी है। तब वो काहिन दाऊद के पास गया और दाऊद नबी को कहा कि ए दाऊद, इस शहर में एक अमीर आदमी था जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थी और एक गरीब आदमी था, उसके पास सिर्फ एक ही भेड़ थी। अमीर आदमी ने उस गरीब आदमी की एक भेड़ को ज़िबा किया और ज़ियाफ़त की। दाऊद नबी गुस्से में आ गए और कहा, कौन सा है वो आदमी, उसने तो ये गुनाह किया। तब काहिन ने कहा कि वो आदमी तू है, खुदा ने तुझे कितनी इज्जत दी, कितनी बीवियां दी, लेकिन तूने उस सिपा सलार की बीवी जो है उसको देख के तू खुदा की खुदाई को भूल गया और फौज में वरका दे के उसके आदमी को भी मार डाला, गुनाह पे गुनाह किया। तब दाऊद नबी का दिमाग जो शैतान ने बंद किया था वो खुला और वो खाकसार हुआ और खुदा से माफी मांगने लग पड़ा। लेकिन खुदा की जात ने दाऊद से बहुत अरसा बात नहीं की। इसी तरह आप लोग जब कोई गुनाह करने लगो तो सोचो कि मैं ये गुनाह करूंगा तो खुदा की जात मुझे देख रही है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो तमसील से समझाएं। उस काहिन को भी खुदावंद ने तमसील समझाई। जब आप तमसील से बात करते हैं तो किसी ना समझ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। और किसी को गुनाह में देखो तो लाजमी खुदा का काम करो, उसको बताओ कि तुम गुनाह में हो और इस ज़िंदगी को छोड़ो, क्योंकि खुदा की बादशाही जो है वो गुनाहगारों को और खुदा के कलाम को रद्द करने वालों को माफ़ नहीं करती। खुदा आप सबको बरकत दे।